महाकाल मंदिर विस्तार योजना के प्रथम चरण के कार्यों का नवंबर में प्रधानमंत्री मोदी जी कर सकते हैं शुभारंभ। महाकाल महाराज मंदिर परिसर विस्तार योजना के प्रथम चरण, जिसे तकनीकी रूप से मृदा प्रोजेक्ट वन कहा जाता है, के समस्त कार्य पूर्णता की ओर हैं। प्रथम चरण के कार्यों का लोकार्पण करने देश के प्रधानमंत्री का आगामी नवंबर माह में उज्जैन आना प्रस्तावित है। इसके बाद कॉरिडोर का प्रथम चरण आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। प्रथम चरण के कार्यों के खुलते ही हरी फाटक ब्रिज की चौथी भुजा से आकर श्रद्धालु जैसे ही त्रिवेणी संग्रहालय पहुंचेंगे, उन्हें बाबा महाकाल के आंगन के अलौकिक दर्शन होंगे। श्री महाकाल महाराज क्षेत्र विकास योजना के प्रथम चरण में महाकाल प्लाजा, महाकाल कॉरिडोर, मिडवे जोन, महाकाल थीम पार्क, घाट एवं डेक एरिया, नूतन स्कूल कॉम्प्लेक्स, गणेश स्कूल कॉम्प्लेक्स का कार्य पूर्ण हो चुका है। महाकाल कॉरिडोर के तहत प्रथम घटक में पैदल चलने हेतु उपयुक्त 200 मीटर लंबा मार्ग बना दिया गया है। इसमें 25 फीट ऊंची एवं 500 मीटर लंबी म्यूरल वॉल बनाई गई है। यही नहीं, 108 शिव स्तंभ शिव की विभिन्न मुद्राओं सहित निर्मित हो चुके हैं, जो अलग ही छठा बिखेर रहे हैं। लोटस पॉन्ड, ओपन एयर थिएटर तथा लेक फ्रंट एरिया और ई रिक्शा व आकस्मिक वाहनों हेतु मार्ग भी लगभग पूर्ण हो चुका है। बड़े रुद्रसागर की झील में स्वच्छ पानी भरा जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इस झील में गंदा पानी बिल्कुल न मिलने पाए। उक्त सभी कार्यों का लोकार्पण नवंबर माह में प्रस्तावित है। कलेक्टर आशीष सिंह ने श्री महाकाल महाराज मंदिर परिसर विकास योजना के प्रथम चरण के तहत रुद्रसागर एक में किए जा रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उक्त सभी निर्माण कार्य पूर्णता की ओर है और आने वाले समय में इनका लोकार्पण किया जाना है। कलेक्टर ने स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को साथ लेकर बारीकी से सभी कार्यों का निरीक्षण किया व दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि महाकाल कॉरिडोर में किए जाने वाले वृक्षारोपण में ये ध्यान रखा जाए कि लगाए जाने वाले पेड़ सुंदर तो हो ही, दर्शनार्थियों को इससे भविष्य में छाया भी मिल सके। कलेक्टर ने त्रिवेणी संग्रहालय से लेकर लोटस पॉन्ड, प्रवेश द्वार, कॉरिडोर एवं कॉरिडोर जहां पर समाप्त होता है उस स्थान पर बनाए जा रहे पार्किंग क्षेत्र, धर्मशाला, प्लाजा का निरीक्षण किया। उन्होंने बनाए जाने वाले मार्केट में समस्त सुविधाएं विकसित करने, कॉरिडोर एवं प्रवेश के अन्य स्थानों पर पेयजल के लिए स्थान चिन्हित करने के निर्देश भी दिए हैं। महाकाल थीम पार्क के अंतर्गत महाकालेश्वर की कथाओं से युक्त म्यूरल वॉल, सप्तसागर हेतु डेक एरिया तथा डेक के नीचे शॉपिंग क्षेत्र, बैठक क्षेत्र सुविधाएं विकसित की गई है। इसी तरह त्रिवेणी संग्रहालय के समीप कार, बस व दो पहिया वाहन की मल्टी लेवल पार्किंग बन चुकी है। इस क्षेत्र में धर्मशाला व अन्य क्षेत्र भी बनाए जा रहे हैं। कोबल्ट स्टोन की रोड क्रॉसिंग के जरिए पदयात्रियों की कनेक्टिविटी विकसित की गई है।